नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि काली लिनक्स में कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हैं जिनके बगैर आप काली लिनक्स का यूज़ नहीं कर सकते। आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर आप काली लिनक्स के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको लिनक्स में अगर वर्क करना है एज अ हैकर तो आपको इन कमांड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं कि टर्मिनल आपका एक वेपन है तो उसमें यूज़ होने वाली जो बुलेट्स हैं वो आपकी कमांड्स हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी apt-get कमांड। apt-get तीन तरीके से यूज़ होता है, apt-get अपडेट, apt-get अपग्रेड और apt-get इंस्टॉल। अपडेट जो है वो आपके सिस्टम में ये बताता है कि कौन कौन सी फाइल्स और इंस्टॉल करनी है। अपग्रेड आपके सिस्टम को एक्चुअली अपडेट करता है और इंस्टॉल यूज़ होता है कोई भी नया सॉफ्टवेयर या कोई भी नया पैकेज आपको इंस्टॉल करने के लिए। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और आपको इनके बारे में जानना चाहिए। तो जब हम अपडेट का यूज़ करते हैं तो हमारा सिस्टम एक्चुअली इन फाइल्स को चेक करता है जो और चाहिए। अपग्रेड हमारे सिस्टम को अपडेट करता है और जो इंस्टॉल है वो हमारे कोई भी किसी भी पैकेज को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके देगा। तो आपको ये इनसे आप फैमिलियर हों बहुत बेहतर है। सेकेंड थिंग जब हम बात करते हैं तो एक है हमारे पास ls कमांड जो ये बताता है कि जिस डायरेक्टरी के अंदर हम हैं उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी और डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं। जैसे हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर आके ls कमांड दिया तो आप देख सकते हैं पूरी फाइल शो कर रहा है। और यहीं अगर हम एक और कमांड यूज़ करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड शो कर रहा है और अगर मुझे डाउनलोड के अंदर इंटर करना है डाउनलोड फाइल्स, क्योंकि मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, मुझे डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो मुझे cd कमांड देना पड़ेगा। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी और मुझे नाम एज इट इज़ देना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं डाउनलोड लिख रहा हूँ तो मुझे डाउनलोड का db कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा तो एरर आएगा। आप देख सकते हैं मैं भी डाउनलोड फाइल के अंदर हूँ, ls कमांड दिया तो कोई डायरेक्टरी नहीं है क्योंकि डाउनलोड फाइल के अंदर एक्चुअली कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। और अगर मैं यहीं पर ls को -1 कमांड के साथ दूँ तो आप कुछ और नई फाइल्स को देख पाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए मैंने रूट डायरेक्टरी के अंदर ls कमांड दिया, तो जब मैंने रूट डायरेक्टरी के अंदर ls कमांड दिया तो वहाँ पर कोई उतनी फाइल शो किया जितनी आपको दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसी ls कमांड को -a के साथ यूज़ करूँ उसी डायरेक्टरी में तो मुझे वो फाइल्स भी दिखाएगा जो एक्चुअली बाकी जगह से नहीं दिखते। आइए इसे एक न्यू विंडो में शो करके बताता हूँ। अभी मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ मैं एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ, वो कमांड है हमारी ls-a रूट डायरेक्टरी के अंदर, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरी फाइल शो करेगा कि कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, लोकल, ये वो फाइल्स हैं जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही, वो फाइल्स हैं जो आपको ऑलरेडी यूज़र्स के लिए थी जिन्हें आप देख सकते थे। और जो वाइट में दिखाई दे रही वो सिर्फ सिस्टम्स के लिए जिन्हें यूज़र नहीं देख सकता था, उन्हें आप तब देख सकते जब आप साथ में -a का यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ls कमांड आप देख सकते हैं, सिंपल डिफरेंस आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ls और ls-a दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों को आप देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों फाइल्स के बीच में। और जब हम और डायरेक्टरीज की बात करते हैं या और हम कुछ ऐसी कमांड्स की बात करते हैं तो वो कमांड्स आपको दिखाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cat और एक लिखूँ ग्रेटर देन के साइन के बाद ट्राई, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे जिस फोल्डर के अंदर मैं हूँ, मैं डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ, तो मैंने लिखा ट्राई तो वहाँ पे ट्राई शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, मैंने लिखा cd डेस्कटॉप और मैं डेस्कटॉप के अंदर इंटर कर रहा हूँ। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, आप विंडोज़ में भी यूज़ करते हैं और बहुत बार आपने यूज़ किया होगा cd डायरेक्टरी का, cd कमांड का। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी बहुत कॉमन कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी डेस्कटॉप पर अगर मैं हूँ और डेस्कटॉप पे अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है तो मैं किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, आइए वो देखते हैं। डेस्कटॉप पे अगर मान लीजिए मुझे rm कमांड यूज़ करना है, rm मीन्स रीनेम, ये देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रीनेम निकल गया मुझसे। rm मीन्स रिमूव कमांड, अगर मैं रिमूव कमांड देता हूँ तो जो फाइल मैंने क्रिएट की थी वो उस फाइल के नाम के साथ दूंगा तो वो फाइल वहाँ से रिमूव हो जाएगी। अभी आपने देखा ट्राई हमने रिमूव किया था। और जब हम कुछ फाइल्स क्रिएट करने की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें यहाँ पे कैट फाइल है, कैट के साथ अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लूँ ना कि लेस देन का, माफ़ कीजिएगा, देखिए लेस देन का साइन ना लेके ग्रेटर देन का साइन लूँ और मैं नेम फाइल क्रिएट करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। और mv जैसे ही मैं लूँगा, mv मीन्स मैं इस नेम फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने अभी नेम लिखा था, मैं इसका नाम अगर बदलना चाहूँ तो name
स्पेस देकर वो नया नाम जो मैं इस नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ NAME1 हिट इंटर और यहाँ आप देख सकते हैं Name1। तो ये आपकी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, उसका नाम चेंज हो गया है। तो MV आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्यों यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम इन डायरेक्टरीज़ को वो करना चाहते हैं कि हम ये डायरेक्टरीज हमें हटानी है, रिमूव करनी है, इनके साथ इनका नाम बदलना है। मीन्स एडिटिंग के लिए यूज़ होने वाली कमांड्स हैं सारी की सारी। तो अगर मुझे कुछ और फाइल्स यूज़ करनी, कुछ और कमांड्स यूज़ करनी है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वो कौन कौन सी कमांड्स हैं, इन फाइल्स को आप लिखते चलें। जैसे मैक डायरेक्टरी अगर मैं देता हूँ, तो मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, एक फोल्डर क्रिएट किया है। तो फोल्डर है हमारा उस फोल्डर को हमने माई डॉक्स के नाम से दिया है और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे क्रिएट है। और रिमूव डायरेक्टरी देते हैं तो रिमूव डायरेक्टरी में आप और डायरेक्टरीज दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं मैक डायरेक्टरी मींस आपका मैक डायरेक्टरी हो जाएगा और RM डायरेक्टरी मींस रिमूव डायरेक्टरी, तो रिमूव डायरेक्टरी हो जाएगी। और MV जैसे हम यूज़ करेंगे तो हम उसका नाम चेंज करेंगे। रीनेम करने के लिए MV यूज़ होता है। तो आपको पहला नाम और उसके बाद उस डायरेक्टरी का सेकेंड नेम जो आप उसको देना चाहते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एक्चुअली। तो एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, क्लियर करने से बेहतर है कि टर्मिनल भी ओपन कर लें। ये यहाँ पे आप दे रहे हैं एक मेन कमांड। मेन कमांड की पूरी हेल्प आप ले सकते हैं कि आपको किस किस यूज़ में आता है, कौन कौन से यूज़ में आता है। आप देख सकते हैं मेन का पूरा सेटिंग आपको देगा कि आपको क्या क्या मैनुअली क्या क्या बताएगा। मेन एक्चुअली मैनुअल के लिए यूज़ होता है, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इस पर आप थोड़ी मेहनत और करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और जब हम बात करते हैं एक्चुअली कमांड्स की, तो कुछ कमांड्स ऐसी भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था, आपको बताया था उन कमांड्स के बारे में कि जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं उन कमांड्स के बारे में, कि जब हम इंस्टॉल अपडेट या अपग्रेड करने की बात करते हैं तो आप इनके साथ sudo यूज़ कर सकते हैं। sudo मीन्स आपका रूट। तो जब भी हम डेबियन या Ubuntu को यूज़ करते थे, हम उनके साथ sudo यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम एडमिन की परमिशन के साथ एडमिन उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आप apt-get इंस्टॉल, apt-get अपडेट या apt-get अपग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर आगे और डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।